नमस्कार, स्वागत है आपका वॉइस ऑफ ट्रांसपोर्ट में और मैं ब्रजेश एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सामने किसी नए मुद्दे पर बातचीत के लिए। और आज हम बात करेंगे टैक्सी ऑपरेटर्स के बारे में। एक ऐसी सरकार जहां पर टैक्सी ऑपरेटर्स काफ़ी नाराज़ थे सरकार के द्वारा उठाए कदम से, वहां पर अब सरकार ने एक मदद दी है और सरकार ने एक राहत की बात करी है, जहां पर टैक्सी ऑपरेटर्स को कहा गया है कि अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको आर्थिक सहायता दी जाएगी। यानी आज हम बात करेंगे टैक्सी ऑपरेटर्स को सरकार द्वारा दी जा रही एक आर्थिक सहायता की। खबर कहाँ की है उससे पहले आपको बताएं, वो पहले बताएंगे, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दें, जिससे आपके पास आती रहें इस तरह की इंपॉर्टेंट खबरें। आपको बता दें, गोवा में पारंपरिक टैक्सी ऑपरेटर्स जो थे उनकी नाराजगी ये इस बात को लेकर थी कि गोवा ने पिछले साल अगस्त में गोवा माइल्स के नाम से एक ऐप आधारित टैक्सी सेवा चालू करी। इसके बाद से वहाँ पर जो पारंपरिक टैक्सी ऑपरेटर्स थे उन्होंने काफ़ी नाराज़गी जताई, जिससे ये पीछे पूरा विवाद चला आ रहा था। लेकिन अब क्योंकि गोवा सरकार में, आपको हम बता दें, गोवा पर्यटन विकास निगम की तरफ से ये बताया गया है कि अब आपको आर्थिक सहायता दी जाएगी। यानी अगर आप कोई गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो, अगर आप गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो वहाँ पर आपको मदद दी जाएगी। और मदद के तौर पर वहाँ पर आपको बता दें, अध्यक्ष हैं वहाँ पे गोवा पर्यटन विकास निगम के दयानंद सोपते, जिन्होंने कहा है कि हम सरकार की तरफ से, हम विभाग की तरफ से टैक्सी ऑपरेटर्स को मदद करना चाहते हैं जिससे गोवा में रोज़गार बढ़े। यानी जो विवाद है उसको समाप्त करने की कोशिश की जा रही है इस आर्थिक मदद से। लेकिन क्या इन आर्थिक मदद से चालकों की जो स्थिति है वहाँ पे, जो पारंपरिक टैक्सी ऑपरेटर्स हैं वहाँ पर, इनकी जो नाराज़गी है कम होगी? क्योंकि वहाँ पर लाखों लोग आते हैं पर्यटन के तौर पर। गोवा पर्यटन के लिहाज से अगर आप देखें तो बहुत खूबसूरत जगह है, जहाँ पर पूरे देश से ही नहीं विदेशों से भी लोग घूमने पहुँचते हैं। ये पिछले काफ़ी टाइम से वहाँ पर नाराज़गी चल रही थी ऑपरेटर्स की, जहाँ पर उनका ये कहना था कि इस ऐप एग्रीगेटर जो गोवा माइल्स जो विभाग की तरफ से, जो वहाँ पर पर्यटन विभाग की तरफ से जो लॉन्च की गई पिछले साल अगस्त में, वहाँ से उनका रोज़गार कम हुआ है। लेकिन क्योंकि वहाँ पर जो पारंपरिक टैक्सियाँ थी और इन पर जो नई टैक्सियाँ आई, वहाँ पर उन्हें काफ़ी तालमेल ठीक नहीं बैठ पा रहा था। लेकिन अब सरकार या विभाग की तरफ से आप कह सकते हैं, ये कहा गया है कि अगर अब आप कोई टैक्सी खरीदना चाहते हैं, कोई गाड़ी खरीदना चाहते हैं, तो वहाँ पर आपको आर्थिक सहायता दी जाएगी। आर्थिक सहायता कितनी है, कितनी दी जाएगी, या इससे मदद मिलेगी भी नहीं मिलेगी, वो बात की बात है। लेकिन कुल मिलाकर जो पारंपरिक टैक्सी ऑपरेटर्स थे, जो काफ़ी सालों से अपना काम कर रहे थे, उनके रोज़गार पर असर पड़ा है निश्चित रूप से, क्योंकि टेक्नोलॉजी के टाइम पर लोगों ने इसको अपनाना चालू कर दिया होगा, जिसकी वजह से ये उन दोनों के बीच में विरोध बढ़ गया था। अब इससे विवाद बढ़ेगा घटेगा, उनके हालात सुधरेंगे, कितने चालक खरीदते हैं, क्योंकि नई गाड़ियां खरीदना बड़ी बात नहीं है, उसकी किस्तें चुकानी बड़ी दिक्कत है। किस्तें चुकाने में बड़ी दिक्कत आती है, क्योंकि पूरे देश में अगर आपने पहले की वीडियो देखेंगे तो आपको मालूम पड़ गया होगा, जितने ओला उबर के ड्राइवर्स थे जिन्होंने गाड़ियाँ खरीदी इसी उम्मीद में कि उनका रोज़गार बढ़ेगा, आज वो सभी परेशान हैं। उनको रोज़ी रोटी कमाना की दिक्कत हो रही है, क्योंकि गाड़ियों मजबूरी ये है कि उनको ओला उबर के साथ काम करना ज़रूरी है, क्योंकि कंपनी की किस्तें चुकानी है। और बहुत से चालकों की बात थी कि अगर किस्तें पूरी हो जाती हैं और चुका लेते हैं वो लोग, तो वो अपने पुराने कोई काम ढूंढेंगे, क्योंकि यहाँ पर बहुत मगजमारी है। यही स्थिति गोवा में बनती आ रही है। लेकिन विभाग की तरफ से ये एक राहत की बात ज़रूर है कि अगर आप गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो आपको सरकार की तरफ से, विभाग की तरफ से एक मदद दी जाएगी, आर्थिक सहायता दी जाएगी। अभी कितनी कारगर साबित होगी ये देखने वाली बात होगी, लेकिन गोवा ने निश्चित रूप से, आप ये कह सकते हैं कि कुछ ज़रूर, भले मामूली सी सही, गंभीरता तो दिखाई है चालकों के लिए। और ये आप गोवा के पारंपरिक जो टैक्सी ऑपरेटर्स हैं उनकी एकता की ताकत भी आप कह सकते हैं कि वहाँ पर उनकी एकता की ताकत भी आप कह सकते हैं, जिसकी वजह से सरकार को इस मामले में सोचना पड़ा, वरना अन्य राज्यों में तो सरकार चालकों के लिए सोचती तक भी नहीं है। हम फिर हाजिर होंगे किसी नए मुद्दे पर, जब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।